हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर ए हमने यस्टरडे कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। देखो इसमें क्या बोला है, जो नीचे डेसिमल के नंबर दिए है, टर्म दिए है, उसे हमें क्या करने का है, डेसिमल के चार्ट बनाने का है प्लेस वैल्यू का। और वो चार्ट में हमें वो फिगर डिजिट रख के दिखाने का है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, और फिर उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखने की, दो करने की। ओनली प्लेस वैल्यू के चार्ट में लिखने का ऐसा नहीं है, उसकी प्लेस वैल्यू भी लिख के दिखाने की है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है ना, सबसे पहले 100 tens, फिर 1s, फिर 10, 100 and 1000। तो सबसे पहले क्या आएगा, 100 आएगा, 10 आएगा, 1, फिर डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर 1 upon 10, 1 upon 10, 1 upon 1000। ये आएगा तो कौन सा डिजिट कहाँ पे, कौन सी प्लेस वैल्यू में हमें रखने का है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 0.63, इसका मतलब है कि आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के हमें कुछ भी नहीं लिखने का है। और जो 63 है, इसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखने की है। तो 60 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की 10th और 3 की 100, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे हमें फिर नीचे लिख के भी दिखाया है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 upon 10 है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 is 3 upon 100 एंड 5 is, हाँ तो ये हो गया। दोनों पे हमने दिखा दिया है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आगे हम करेंगे सम नंबर 2, 5.18। देखो फर्स्ट में पॉइंट नहीं था, यहाँ पे पॉइंट है, तो दोनों की प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, पहले 5 है, उसकी प्लेस वैल्यू हमें तय करने के, बताने के कि क्या है। तो प्लेस वैल्यू 5 is 5, ठीक है। और प्लेस वैल्यू ऑफ द 1, फिर क्या है, 1 18 है ना, 18, हाँ। तो प्लेस वैल्यू 1 is 1 upon 10 एंड प्लेस वैल्यू 8 is 1 upon 1000। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 1 and 2। अब हम करेंगे सम नंबर 3। सबसे पहले फिर चार्ट में देखेंगे कि क्या लिखने का है सेकंड नंबर के लिए। तो पॉइंट है ना, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट 5 पॉइंट है, तो वहाँ जहाँ पे 1s लिखा है वहाँ पे हमें 5 लिखने का है। और फिर पॉइंट में पॉइंट, और फिर 1 की जो वैल्यू क्या है, 110, 1 upon 10 एंड 8 की है 1 upon 100। तो ऐसे चार्ट में हमें दिखाने का है कि 1 है वो 10th में लिखने का है, वो 8 है वो 100 में लिखने का है। तो ये हो गया चार्ट में, और यहाँ पे दोनों पे सम नंबर 2 फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम सम नंबर 3, देखो 3 भी चार्ट में भी दिखाने का है और इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखने की है। तो यहाँ पे 640.43, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 640 की प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाएंगे। तो क्या है, 600 है वो 100 में है, 4 है वो 10 में है, 0 है वो 1 के प्लेस वैल्यू में लिखा हुआ है, फिर पॉइंट है, फिर 10th में 4 है और 100 में 8 है, ठीक है। फिर हमें एक प्लेस वैल्यू लिख के भी दिखाने की है, तो ये आएगा
के प्लेस वैल्यू ऑफ द सिक्स इज 600। देखो सबसे पहले पॉइंट के आगे जो फिगर है वो हमें इसकी प्लेस वैल्यू दिखाने के पॉइंट के बिफोर जो 640 है उसकी वैल्यू दिखाने के, तो उसकी प्लेस अलग है और पॉइंट के बाद पॉइंट के आफ्टर जो डिजिट है उसकी भी वैल्यू अलग है, इसीलिए सबकी हमें समझा बताने के। तो 600 है 640, तो 140 का 10 होता है, 10 की प्लेस पे तो 40 का 4, 4 का 40 और 0 का 0 प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें लिख के दिखाने का है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 600, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40, प्लेस वैल्यू 0 इज 0 हो गया। तो फिर ए पॉइंट के बिफोर की डिजिट है, पॉइंट के आफ्टर की है 43, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4/10, प्लेस वैल्यू 3 इज 3/100। तो ये हो गया सम नंबर हमारा 3 फिनिश। और यहाँ पे भी 3 में भी देखो मैंने आगे बताया ना आपको ऐसे 6 कहाँ पे रखने का है, 100 तो 604 को 10 के वो प्लेस में और 0 को 1 के प्लेस में, फिर पॉइंट रखने का है 4, 4, 10 एंड 3, 100। ये हो गया कंप्लीट सम नंबर 3 चार्ट में, और ऐसे भी हमने लिख के दिखा दिया। अब ये सम नंबर 4, इसमें भी दोनों में हमें प्लेस वैल्यू बताने की है कि प्लेस वैल्यू ये है 4 क्या है 21.304। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू हम चार्ट में दिखाएंगे, जो प्लेस वैल्यू का चार्ट हमने बनाया है इसमें दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे 21 है तो 100 नहीं है, तो 2 को हमें 10 के प्लेस में रखने का है, 1 को 1 के प्लेस में, फिर डेसिमल पॉइंट रखने का है, वो 3 को 10th में, 0 को 100 में और 4 को 1000 में रखने का है। ऐसे हो गया तो फिर हमें यहाँ पे भी दिखाने का है कि 21.304 की ये चार्ट में तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें लिखने का भी है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20, ठीक है 10th के प्लेस पे है ना, इसीलिए 20। प्लेस वैल्यू 1 इज 1 क्योंकि 1 के प्लेस में है, फिर आएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3/10, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 1000। 10, 100 एंड 1000 होता है, लेकिन 100 के प्लेस में कुछ नहीं है, 0 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कभी भी 100 नहीं होती, 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या लिखने का है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4/1000। तो ये हो गया सम नंबर एक्सरसाइज 7.2 का बी। कंप्लीट नहीं है आगे भी, नहीं ये कंप्लीट हो गया बी, तो आगे हम आगे भी करने का है, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने का है। पहले उस सब का चार्ट बनाने का है, आपको भी अपनी नोट में ऐसा प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाने का है, फिर इसमें जो डिजिट कहाँ पे आते चार्ट की कौन के वो लिखने के है, और फिर उसकी अलग से भी लिखने का है कि कौन से डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है। तो और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखने का है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर सी हम कल करेंगे। इसमें क्या करने का है कि ओनली 8 की प्लेस वैल्यू लिखने की है, हर एक ईच डिजिट की नहीं लिखने की है, लेकिन इसमें जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो हमें दिखाने की है, तो वो हम कल करेंगे। तो आज आपको क्या करने का है, मैथ्स की नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से राइट डाउन करने का है और होमवर्क में भी करने का है।
तो आगे आपको समझ में आ सके, इसीलिए राइट टर्म करने का है। थैंक यू।